समाज में बहुत सी परंपराओं में से एक परंपरा प्रीति को हमेशा से ही नापसंद थी। वो थी दहेज परंपरा। प्रीति बहुत ही संस्कारी और छोटे बड़े का सबका आदर करने वाली लड़की थी, लेकिन दहेज परंपरा के कारण वो कितना भी प्रयास कर ले ससुराल वालों का आदर नहीं कर पाती थी। प्रीति एक सीधी सादी लड़की थी, थोड़ी सी डरपोक खबरही स्वभाव की थी। आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए और न ही सहना चाहिए। ऐसे स्वभाव की प्रीति जब शादी करने का विचार करती है, तब उसके डरपोक स्वभाव की वजह से उसका रिश्ता टूट जाता है। एक लड़का जो उसके घर के लोगों को पसंद आता है, लड़की की तरफ से भी प्रीति को पसंद कर लिया जाता है। लड़के को तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन लड़के के घर लोगों की अपनी परिस्थिति होती है। पर वो लड़के के माता पिता प्रीति के पिता से कहते हैं, हमें घर लेने के लिए आधे पैसे आपको देने होंगे और आधे पैसे हम देते हैं। शादी को दोनों तरफ का खर्चा भी आपको करना होगा। ऐसी शर्त रख कर शादी पक्की करते हैं। प्रीति के सुख के लिए उसके पिता कर्ज लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रीति की होने वाली सास का प्रीति को बार बार फोन आते हैं। सिर्फ शादी तय कर ली, बाकी जो बातें पक्की थी उसका क्या? उनको दहेज हाथ में चाहिए था। प्रीति और उसके माँ पापा को आश्चर्य होता है कि ये सब पैसों के लिए इतने पीछे क्यों लगे हैं। तभी उसके पिताजी को शक हुआ और पूछताछ करने पर उनको समझ में आता है। लड़के के माँ पिता, घर की हालत कुछ ठीक नहीं, हमने जैसे सोचा था वैसे कुछ भी नहीं। लड़के वालों ने जो बायोडाटा बनवाया था वो झूठा था। लड़के को तो तनख्वाह है ही नहीं। लड़के के पिता जैसे तैसे काम करके घर का खर्चा चलाते थे। यह सब मालूम होने पर क्या करूं? ये उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी तोड़ नहीं सकते थे, सगाई हो चुकी थी। और अब शादी तोड़ी तो समाज में बदनामी होगी और फिर से लड़की की शादी नहीं होगी। इस डर से उन्होंने भी शादी तोड़ने का विचार मन से निकाल दिया और उसमें सकारात्मक बात देखकर, जैसे लड़का होशियार है तो वह जिंदगी में भाग दौड़ करके जिंदगी में अच्छी नौकरी पा ही लेगा और लड़की को सुखी रखेगा। जो हमने आधे पैसे फ्लैट के लिए दिए हैं वह लड़की को ही मिलेगा। यह सब बातों का विचार किया और जैसे तय किया था वैसे ही शादी हो गई। प्रीति के पिता ने दोनों तरफ शादी का खर्चा भी उठाया और लड़के के पिता को दहेज की रकम भी दी। शादी होने के बाद लड़का होशियार होने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिली। जब फ्लैट लेने की बात आई तो प्रीति के ससुराल वालों ने उन्हें पूरी रकम देने के बजाय 20 लाख के बजाय 5 लाख ही दिए। खुद के पास
इससे तो दूर उसके पिता ने दिए हुए पूरे पैसे भी उन्हें दिए नहीं। और घर आने तक प्रीति के पिताजी ने दिए हुए पैसे का ब्याज भी खुद के पास रखा। यह सब बातें तो प्रीति को खटक रही थी। उसने यह सब बातों का प्रश्न पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे उत्तर सही नहीं मिला। प्रीति डरपोक जरूर थी, लेकिन अन्याय सहने वाली नहीं थी। उसने हर समय सवाल और जवाब का हिसाब मिलने की अपेक्षा न होने के कारण उसे ससुराल वालों के लिए जरा सा भी आदर उसके मन में नहीं था। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे उसने अपने ससुराल वालों से संबंध तोड़ दिए। वह घर आते तब वो उनसे अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन कभी भी मन से उनका कुछ भी काम नहीं करती थी। और वह जब गांव में रहते थे तब कुछ भी होता था तो वह पूछना तक जरूरी नहीं समझती थी। पर उसके ससुराल वालों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उनमें बातचीत और अपनापन रहा ही नहीं। रिश्तों में दूरियां आने लगी। सच में दहेज के कारण रिश्ते टूटते हैं तो दहेज लेना कहाँ तक सही है। हालात तुम्हारे ख़राब हैं, इसलिए लड़की वालों से पैसे लेना कहाँ तक अच्छी बात है। लड़की के माँ बाप भी उसे सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और लड़की दूसरे के घर जाकर उनके घर के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करती है। उसके माँ बाप कि उसे कोई भी अपेक्षा नहीं होती। ऐसे सभी विचार प्रीति के मन में हमेशा घर कर जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।